फ्लिपकार्ट पर लॉन्च किया था 1200 रुपए के आसपास का प्राइस में, तब से जो है ये स्पीकर को लेकर मुझको काफी इंटरेस्ट था। और इसका पीछे 3 से 4 रीजन है। सबसे पहला एक रीजन है, मीवी एक ऐसा ऑडियो ब्रांड है जो इंडियन बेस्ड एक ब्रांड है, मतलब ये जो है इंडियन ब्रांड है। सेकेंडली जो है ये जो स्पीकर है मीवी रोम 2, ये पहला कोई ब्लूटूथ स्पीकर है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। ये एक काफी एक प्लस पॉइंट मुझको देखने को लगा ये स्पीकर का। एंड तीसरा जो है इसका बैटरी बैकअप, ये इंडिया तो मेड इन इंडिया है ही प्रोडक्ट, प्लस इसका जो बैटरी बैकअप वो भी काफी अच्छा बोला जा रहा है मीवी की तरफ से। और बोला जा रहा है एक बार में आप 24 आवर्स की आसपास तक, मतलब बोला जाए तो एक दिन कंटिन्यूअस आप ये इसमें गाना प्ले कर सकते हो। तो ये हर एक चीज देखते हुए मुझको जो लगा ये स्पीकर का एक रिव्यू भी जरूर करना चाहिए। तो ये जो स्पीकर मुझको मेरा पास जो ऑलमोस्ट 5 दिन का आसपास है, और इस टाइम के अंदर इसको मैं काफी यूज किया। तो ये वीडियो में आपको ये स्पीकर के बारे में हर एक चीज जानने को मिलेगा, मतलब किस तरह का बिल्ड क्वालिटी है, क्या क्या आपको इधर फीचर एंड ट्रिक्स देखने को मिलेगा वो जानने को मिलेगा, स्पीकर का ऑडियो क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी ये सब मिलेगा, एंड आपको इनबॉक्स क्या क्या देखने को मिलेगा वो भी अनबॉक्सिंग की तौर पर जानने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो कंप्लीट देखते रहिए। तो बॉक्स का बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बॉक्स का क्वालिटी काफी अच्छा है। पीछे आपको कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको जानने को मिल जाएगा एज यूजर। इधर आपको दोनों स्पीकर को आप एक साथ पेयर कर सकते हो, वो आपको इधर देखने को मिल जाएगा। इसका अलावा आपको जो है 2000 mAh की बैटरी है जो एक काफी बड़ा हाईलाइटेड है ये स्पीकर का, इसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। वाटरप्रूफ है, हाई क्वालिटी ड्राइवर जो है इधर देखने को मिलेगा, ये सब आपको बताया गया। तो आपको स्लाइड करके इसको ओपन करना है, तो ओपन करने पर ऊपर में एक पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस पेपर में पीछे देखेंगे तो इस पेपर में आपको जो है किस तरह से आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं वो आपको जानने को मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर में आपको जस्ट आपका ये जो परचेस किया इसका इनवॉइस भेज दीजिए तो आपका वारंटी क्लेम हो जाएगा। नेक्स्ट और एक आपको इस तरह का पेपर वर्क बॉक्स देखने को मिलेगा, जिधर आपको इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में जानने को मिलेगा एंड क्या क्या फीचर आप कैसे आप काम करेंगे, मतलब यूज करेंगे, ये हर एक चीज आपको इधर जानने को मिलेगा जो हम लोग फ्यूचर में वीडियो में बोलेंगे। चाहे तो आप इसको ओपन करके रीड भी कर सकते हो। तो इसको रखते हैं साइड में। तो इसका बाद आपको देखने को मिलेगा मेन स्पीकर। तो मैं एक चीज नोटिस किया जो ये स्पीकर को किसी तरह प्लास्टिक में रैप करके नहीं दिया गया, तो ये एक कौन से अगर मेवी वालों ने देख रहे हैं तो मैं बोलूंगा नेक्स्ट टाइम जब इस तरह का स्पीकर आप देंगे ना तो एक अच्छा सा प्लास्टिक रैप करके दीजिए स्पीकर को भी इंडिविजुअली। तो ये है स्पीकर, स्पीकर के साथ इधर तो आपको हैंगिंग का चीज भी देखने को मिल जाएगा। इसका अलावा आपको इधर 2 केबल देखने को मिलेगा, एक है जो 3.5 mm to 3.5 mm का ऑक्स केबल जो आप आपका स्पीकर के साथ आपका हेडफोन जो मोबाइल का हेडफोन का पोर्ट है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसका अलावा और एक आपको पोर्ट देखने को मिलेगा माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी केबल। तो माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी 2.0 का जो केबल है ये भी आपको इधर देखने को मिल जाएगा, जिसको आप ये जो स्पीकर है स्पीकर को चार्ज करने का टाइम यूज कर सकते हैं। तो वीडियो का बाकी पार्ट में जाने का पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो मैं सम्राट, आशा कर रहा हूं आपको वीडियो काफी अच्छा है, हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक देकर हम लोगों का वीडियो का लाइक करके जो 50 रखा गया वो जरूर फिल कीजिए। और वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी जानना है फिल फ्री होकर कमेंट कीजिए, आपका कमेंट के आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। चैनल में नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, तो इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों वीडियो का पहले जो है अनबॉक्सिंग कर दिया ये मीवी रोम 2 का, ये करने पर आपको जानने को मिल जाएगा ये बॉक्स में क्या क्या है। तो ये बॉक्स में आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिलेगा, यूजर मैनुअल देखने को मिलेगा किस तरह से आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं ये मिलेगा। इसके अलावा 2 आपको केबल मिलेगा जिसके अंदर से एक ऑक्स केबल है और एक जो है आपको माइक्रो एसबी केबल है फॉर आपका ये जो स्पीकर है इसको चार्ज करने के लिए। तो सबसे पहले ये स्पीकर का बिल्ड क्वालिटी एंड फिजिकल ओवरव्यू की बात करेंगे। तो सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हाथ में लेंगे तो इसका वेट के बारे में सबसे आपको
पहले याद आएगा। तो ये जो है 318 ग्राम का वेट की साधन है। तो एज पर तो इस तरह का स्पीकर ठीक ठाक ही वेट है और थोड़ा आपको हेवी भी लग सकता है। बट इसका अगर व्हील क्वालिटी की बात करेंगे तो इसका पीछे जो है कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड है एंड मैट फिनिश की साधन है। तो ये सब लेकर इसका व्हील क्वालिटी मुझको अच्छा लगा। पीछे देखिए इस तरह से मीवी का ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगा एंड ऊपर में जो है आपको इधर कुछ की देखने को मिलेगा। सबसे पहला की बात करेंगे तो इधर आपको एक पावर की देखने को मिलेगा जिससे आप ये स्पीकर को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं जनरली। इसका बाद में आपको एक प्ले एंड पॉज की देखने को मिलेगा जिससे आपको काफी कस्टमाइजेशन का फीचर देखने को मिलेगा। इसका अलावा इधर वॉल्यूम रॉकर मतलब वॉल्यूम अप एंड डाउन का की भी आपको देखने को मिलेगा। बाएं तरफ आपको और भी दो इधर आपको पोर्ट देखने को मिलेगा जिसके अंदर से एक आपको माइक्रो एसबी का पोर्ट देखने को मिलेगा जिससे आप ये स्पीकर को चार्ज कर पाएंगे। सेम टाइम और एक आपको पोर्ट देखने को मिलेगा जो 3.5mm ऑडियो जैक का। इधर जो है आप ऑक्स केबल से आप आपका स्मार्टफोन को ये स्पीकर से भी कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ को अलावा। तो ये सब लेकर यही है ये स्पीकर का फिजिकल ओवरव्यू एंड ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छा लगा मुझको ये स्पीकर का। ओ एक चीज बोलने में भूल गया इसका फ्रंट के बारे में। तो फ्रंट में जो है आपको इधर जो मेस देखने को मिल रहा है जिधर आपको मीवी का ब्रांडिंग भी देखने को मिल रहा है ये जो है ये मेटल बेस है। तो ये भी एक अच्छा चीज है एंड ओवरऑल एक अच्छा आपको बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है ये स्पीकर। तो फिजिकल ओवरव्यू की बात ये स्पीकर का कुछ आपको फीचर के बारे में बात करना चाहिए जो आप ये चार की से कंट्रोल कर सकते। तो पावर की को छोड़कर अगर आप बाकी की को देखेंगे सबसे पहले इधर जो है आपको ऑडियो प्ले एंड पॉज की देखने को मिलेगा। तो ये की को आप काफी सारा काम में ले सकते। तो सबसे पहला अगर आप कोई भी और एक रूम टू स्पीकर आपके पास है तो उसको भी आप ये स्पीकर के साथ पेयर करके स्टूडियो टाइप का ऑडियो एक्सपीरियंस आप ले सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है आप जब ये स्पीकर को पावर की से ऑन करेंगे तब जो है किसी तरह कोई ब्लूटूथ डिवाइस से इसको कनेक्ट नहीं करना है। उस टाइम जो है प्ले की को जो है डबल क्लिक कर देना है। तो उस सेम टाइम क्या है आपका और एक जो रूम टू स्पीकर है उसको ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्पीकर वो स्पीकर के साथ आपका पेयर हो जाएगा। उसका बाद जब आप कोई भी डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप स्टूडियो एक्सपीरियंस ले सकते। तो ये एक काफी अच्छा चीज लगा। सेम टाइम डिस्कनेक्ट करना चाहते हो तो ये जो प्ले की है इसको 5 सेकेंड अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होता है देखने को आपको मिल जाएगा। इसके अलावा प्लस वॉल्यूम प्लस एंड माइनस से आप वॉल्यूम प्लस एंड वॉल्यूम डाउन कर सकते। इसका अलावा अगर आप ये जो प्लस की है प्लस की को अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो सॉन्ग है उधर आपको जाने देखने को मिलेगा। ठीक ऐसा ही माइनस की को डबल क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू सॉन्ग्स में आने आपको देखने को मिल जाएगा। सेम टाइम ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाने के बाद अगर आप ये जो प्ले की है प्ले की को अगर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है कॉल होते हैं आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब आपका लास्ट जिसके साथ बात किया उस सेम नंबर में ऑटोमेटिकली कॉल जाते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। सेम टाइम अगर आप आपका ये ब्लूटूथ स्पीकर से आप किसी तरह कॉल रिसीव एंड बातें करना चाहते हो तो वो भी इधर पॉसिबल है। कॉल आने पर आप प्ले की को सिंगल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉल रिसीव हो जाएगा एंड आप ये स्पीकर से बात भी कर सकते हैं। मतलब इधर आपको माइक का फीचर भी देखने को मिलेगा। सेम टाइम जो प्ले की है इसको सिंगल क्लिक करने पर ऑटोमेटिकली जो है ये कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो ये सब फीचर जैसा देखने को मिलता है। ठीक ऐसा ये स्पीकर को अगर आप रिसेट करना चाहते हो तो लॉन्ग प्रेस करना पावर की को 10 सेकंड के लिए तो ऑटोमेटिकली आपका ये स्पीकर का जो सेटिंग्स है वो रिसेट होता है आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग ये स्पीकर का मेन ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप पहले कोई ब्लूटूथ स्पीकर यूज किया इस तरह का तो आपको ओवरऑल ये अच्छा स्पीकर का क्वालिटी सुनने को मिल जाएगा। बिकॉज आप देखिए मैं इसका पहले JBL का जो फ्लिप 3 है उसको यूज किया 6,000 रुपए के आसपास का प्राइस है तो उसका जो स्पीकर का क्वालिटी है वो तो काफी अच्छा है। बट इसका जो क्वालिटी ये भी काफी अच्छा है। मतलब ओवरऑल मुझको काफी अच्छा लगा। हालांकि आप अगर थोड़ा ट्रिबल बसन करते तो वो आपको थोड़ा सा इधर लो देखने को मिलेगा बट बेस जो है आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। एंड इसके साथ मैं और एक चीज बोलना चाहता हूँ अगर आप ये स्पीकर को ऑक्स केबल के साथ कनेक्ट करना चाहते हो आपका स्मार्टफोन के साथ टाइम जो है आप आपका स्मार्टफोन में जो ऑडियो का इक्वलाइजर होता है उसको ऑफ कर दीजिएगा तो उससे जो आपको ऑडियो क्वालिटी और भी अच्छा होता देखने को मिलेगा ये स्पीकर में। तो ऑक्स केबल के साथ कनेक्ट किस टाइम ऑब्वियसली इक्वलाइजर को आप जरूर ऑफ कर दीजिए। ब्लूटूथ से अगर कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो ब्लूटूथ से काफी अच्छा कनेक्टिविटी होता है एंड डिस्टेंस जो है आप आराम से 10 से 15 मीटर तक जा सकते हैं जिससे आपको किसी तरह इधर इंटरफेयर होते देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा चीज है ये स्पीकर का। Thank you.
एंड इसका साथ साथ अगर इसका बैटरी बैकअप एंड ये सब के लेकर बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए ये 2000 mAh बैटरी की सतह है, तो बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा है। एंड मैं लेने के बाद से अभी तक इसको किसी तरह चार्ज नहीं किया, जस्ट वीडियो करने के लिए एक बार चार्ज में बिठाया था एंड ठीक ठाक से चार्ज हो रहा था। एंड ये जो है मैं चार्जिंग के बारे में जितना मुझको पता चला इधर मैक्सिमम 5 watt का आपको चार्जर से ही चार्ज होगा, मतलब आप 10 वाट्स का चार्जिंग एडाप्टर या 15 वाट का चार्जिंग एडाप्टर से चार्ज कर सकते हैं, बट 5 वाट से ये चार्ज आपको लेगा आपका ये स्पीकर। 2000 mAh की बैटरी है तो आपको 3 से 4 घंटे लग जाएगा फुल चार्ज होने में एक बार में। तो ओवरऑल यही है चीज एंड स्पीकर क्वालिटी मुझको अच्छा लगा। इधर जो है आपको एग्जाम्पल के तौर पर ऑडियो भी हम लोग सुना दिया, तो आशा करना आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक दीजिएगा और हम लोगों का वीडियो का लाइक टारगेट जो 50 रखा गया वो जरूर क्लिक कीजिए। वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन है जाइए कमेंट कीजिए, कमेंट के आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। एंड चैनल में नया होने का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए तो इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। फिर एक नया वीडियो मुलाकात है, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।